नंबर 12.1 बेटा डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर अपन ने क्या देखना है कि सबसे पहले देखो डिफरेंशियल कितनी बार हुआ है, इसको देखने से क्या लग रहा है डिवाइड बाय dx इक्वल्स टू sin 2x और cos 2x, पता लगाना है मेरे को ऑर्डर और डिग्री के बारे में, मतलब कोटि और इसकी घात, ऑर्डर को हिंदी में कोटि और डिग्री को घात बोलते हैं। सबसे पहले हमें देखो कितनी बार डिफरेंशियल हुआ है, एक बार ही हुआ है तो इसका ऑर्डर हो गया 1। अब बात करते हैं डिग्री की, डिग्री देखते हुए ध्यान रखना है कि डिवाइड पॉइंट डेक्स की पावर कितनी है, और दूसरी बात ये ध्यान रखना है यहां पर साथ में कोई एक और डिवाइड पॉइंट डेक्स तो नहीं है जो अपॉन में फ्रैक्शन में या कोई फ्रैक्शन पावर के साथ में या अपॉन में कहीं नहीं लिखा हो, जैसे ये यहां पर 1/2 डिवाइड पॉइंट डेक्स, तो पहले इसको क्या करना पड़ता है सिंप्लीफाई करना पड़ता है। यहां पर ऐसी कोई सिचुएशन है नहीं, यहां पर सिर्फ डिवाइड पॉइंट डेक्स है, साइन 2x है और कॉस 2x है, तो एक ही बार डिफरेंशियल हुआ है ऑर्डर हो गया इसका 1, और इसकी खुद की पावर कितनी है 1 है ना, इसलिए इसकी घात भी लिखी हो जाएगी 1 हो जाएगी। यहां पर देखते हैं d2y/dx2 sin x + cos x, मतलब कितनी बार डिफरेंशियल हुआ है, ऑर्डर का मतलब क्या है कितनी बार डिफरेंशियल किया है इसका, इसका डिफरेंशियल हुआ 2 बार, क्योंकि d2y/dx2 है तो ऑर्डर तो हमारे पास हो गया 2। डिग्री में देखते हैं इसकी खुद की पावर कितनी है, इसके अलावा इसके ऊपर पावर कितनी लिखी हुई है, एक है ना, तो ये और इसकी डिग्री हो जाएगी 1, यानी इसकी घात कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। अब अपन यहां पर देखते हैं d2y/dx2 + dy/dx = 0, अब इसमें देखो कितनी बार डिफरेंशियल हुआ चेक करो, 2 बार डिफरेंशियल हुआ है ना d2y/dx2, इसलिए इसकी ऑर्डर हो जाएगा इसका 2, यानी 42 हो जाएगी, और इसकी खुद की पावर कितनी है 1, लेकिन साथ में इसका भी देखो यहां पर पावर कितनी है 1/2 में, या इस तरह से नहीं होनी चाहिए, फ्रैक्शन नहीं होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, तो d2y/dx2 और होल पावर कितना है 2 है। वापस देखो ये कितना है d2y/dx2, इसका ऑर्डर हो गया हमारे पास 2, अब इसकी खुद की पावर देखनी है, लेकिन साथ में ये देखना है कि ये जो dy/dx लिखा है इसकी पावर फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए और नेगेटिव भी नहीं होनी चाहिए, तो ऐसी कोई कंडीशन क्रिएट हो नहीं रही है, इसलिए हम इसकी डिग्री को क्या बोल देंगे 2 बोल देंगे। अब यहां देखते हैं dy/dx^3 + 1/dy/dx = 2 लिखा हुआ है, देखो बेटा सबसे पहले पता लगाओ डिफरेंशियल कितनी बार हुआ है, इसमें डिफरेंशियल एक ही बार हुआ है, इसलिए यहां देख काम तो कर ही दो, इसकी कोटि यानी इसका ऑर्डर कितना हो गया 1 हो गया। अब देखो इसकी खुद की पावर कितनी है, यहां 3 दिख रही है, नहीं, क्योंकि यहां 1/dy/dx है, तो 1/dy/dx नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन में लिखा हुआ ये नहीं होना चाहिए, 1/ में अगर नीचे डिनोमिनेटर में ये लिखा हुआ था ना ये अप्रोप्रिएट नहीं है इसमें, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसका इस वैल्यू का दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि ये यहां से हट जाए, तो मेरे पास आ जाएगा इस वैल्यू का दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर रहा हूं dy/dx^4 प्लस इसको हम 2 लिखूंगा कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ ये 1 बचेगा 2 और यहां पर आ जाएगा dy/dx, इसका ये अपडेट वर्जन हो गया। देखो अब देखो कितनी बार डिफरेंस हुआ है, यहां भी dy/dx है, यहां भी dy/dx है, मींस डिफरेंस तो सिर्फ एक बार ही हुआ है, तो ऑर्डर इसका हो गया 1, ऑर्डर को क्या बोलते हैं कोटि। अब देखिए इसकी खुद की पावर कितनी है 4 है, पावर यहां तो देख सकते थे, यहां क्यों नहीं देखी, क्योंकि यहां 1/dy/dx था, यानी dy/dx की पावर कितनी बन रही थी -1 बन रही थी, तो मैंने बताया ना dy/dx की या किसी भी डिफरेंशियल डेरिवेटिव की पावर नेगेटिव या फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, नेगेटिव या फ्रैक्शन यानी भिन्न, भिन्न में नहीं होनी चाहिए, अगर होती है पहले उसको सॉल्व करेंगे, तो 1/1 यानी कि dy/dx की पावर कितनी होगी -1, वो हटानी जरूरी है, इसलिए मैंने क्या किया इस dy/dx का दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहां तो 3 पावर पहले से थी, एक मल्टीप्लाई करके पावर 4 बन जाएगी, इसी का मल्टीप्लाई किया ना यहां पर पावर 4 होगी, यहां पर इसी का मल्टीप्लाई यहां 2 आएगा ना, तो ये कैंसिल हो जाएगा और 2dy/dx आ जाएगा, तो इसका हमारे पास में ऑर्डर हो गया 1 और डिग्री, डिग्री मतलब घात, इसकी देखने घात वो 4 और यहां पर dy/dx यहां पर भी लिखा है कि इसकी पावर कितनी है 1 है, तो मुझे हाईएस्ट देखनी है, 1 और 4 में बड़ी कौन सी है 4 है ना, इसलिए इसकी डिग्री हो जाएगी 4। यहां पर देखते हैं ऑर्डर देखो कितनी बार डिफरेंशियल हुआ है 2 बार, इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। अब डिग्री में बड़ी समस्या है, मैंने क्या बताया था किसी भी डेरिवेटिव की पावर फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, यहां पर कितना लिखा हुआ है 3/2, सबसे पहला काम इस 3/2 को हटाना है, कैसे हटाएंगे यहां से स्क्वायर बोथ साइड कर दो, दोनों तरफ वर्क कर दो इसका,
तो दोनों तरफ वर्क करने पर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर होल पावर टू इज इक्वल टू वन प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स होल स्क्वायर एंड होल टू दी पावर थ्री। थ्री अपॉन टू अट गया, इसमें थ्री बाई टू था ना, स्क्वायर करने से ये टू अट गया और यहां होल स्क्वायर आ गया। अब देखो इसका ऑर्डर कितना हुआ था, टू। अब इसकी डिग्री, डिग्री में देखो किसी भी डेरिवेटिव की पावर फ्रैक्शन में तो नहीं है, नहीं है, कोई भी जो है ना ये हमारा नेगेटिव पावर लेके तो नहीं बैठा है, नहीं बैठा है। इस केस में अब हम कह सकते हैं इसका जो ऑर्डर होगा वो टू और इसकी डिग्री होगी वो भी टू होगी। ऑर्डर टू किसकी वजह से डिसाइड हुआ, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वजह से। डिग्री टू किस वजह से डिसाइड हुई, इस टू की वजह से। क्लियर, एनी डाउट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर बेटा देखो सिक्स में देखिए, सिक्स में डिवाइड अपॉन डी एक्स लिखा हुआ नहीं है इसके अंदर, तो अपन इसको रीअरेंज कर देते हैं। वाई डिवाइड तो पड़ा है और इसको ला माइनस एक्स डी एक्स कर लो। अब डीवाई अपॉन डी एक्स ये मल्टीप्लाई वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स। अब आप इसका ऑर्डर पता कर सकते हो, ऑर्डर यानी कि कोटी कितनी होगी बताओ, इसमें कितनी बार डिफरेंशियल हुआ है, एक बार, और इसकी डिग्री, डिग्री मतलब घात कितनी है। देखो आप जो ये डिवाइड पॉइंट लिया था ना, इसको की पावर कितनी है, वन है, तो ये डिग्री वन होगी। क्लियर? अब आप इसमें देखो इसका ऑर्डर कितना होगा, पहले देखो पूरा सेटल है नहीं है, डी टू वाई पॉइंट एक्स स्क्वायर है, पावर थ्री है, डिवाइड पॉइंट एक्स की पावर कितनी है, टू है। कोई भी डेरिवेटिव नेगेटिव पावर के साथ नहीं है, ना फ्रैक्शन में, मींस बिल्कुल करेक्ट फॉर्म में है। इस केस में इसका ऑर्डर टू, हाईएस्ट डेरिवेटिव टू है, और इसी की पावर देखेंगे, अगर इसकी पावर ज्यादा भी है ना काम नहीं आएगी, इसकी खुद की पावर देखेंगे, ऑर्डर कौन डिसाइड कर रहा है, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो इसी की पावर देखनी है। मतलब ऑर्डर का मतलब हो गया आपके पास में कोटि और डिग्री मतलब घात, ये हमारे पास कितनी होगी बेटा, तीन होगी। ठीक है ना? अब वहां पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर एट के अंदर, ये प्रॉपर वे में नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि ये डिवाइड अपॉन एक्स अगर मैं ढंग से लिखो तो पावर कितनी बन रही है, माइनस वन बन रही है, तो नेगेटिव पावर नहीं होनी चाहिए, उसको हटाना कंपलसरी है। कैसे हटेगी, इस डिवाइड अपॉन एक्स का दोनों तरफ हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो करो देखें एक्स तो पड़ा है, ये डिवाइड अपॉन एक्स यहां मल्टीप्लाई होगा, तो डिवाइड अपॉन एक्स का होल स्क्वायर प्लस थ्री, ये वैल्यू है ना कैंसिल हो जाएगी, इज इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड डीवाई अपॉन डी एक्स। ध्यान से देखो डिफरेंस कितनी बार हुआ है, ये डीवाई अपॉन डी एक्स है, ये भी डीवाई अपॉन डी एक्स है, तो एक ही बार डिफरेंशियल हुआ है, तो इसको अपन बोलेंगे ऑर्डर कोटी, मींस कोटी वन हो गई। अब देखना है डिग्री, डिग्री मतलब हिंदी में क्या कहते हैं, घात, कितनी होगी बेटा डिग्री, तो डिग्री किसकी देखते हैं, देखो ये भी डिवाइड अपॉन डी एक्स है, ये भी डिवाइड अपॉन डी एक्स है, दोनों में से किसकी देखेंगे, बिकॉज इसकी पावर कितनी वन है, इसकी पावर कितनी है, टू है, घात कितनी है, टू है ना, ये देखो टू और इसकी कितनी है वन, तो दोनों में से बड़ी कौन सी है, टू, इसलिए हमारे पास में इसकी घात यानी इसका डिग्री हो जाएगी टू। ये वेरी क्लियर होना चाहिए आपको, बहुत अच्छे ढंग से आप समझो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। छोटा क्वेश्चन इसका जरूर आता है, एग्जाम में कॉम्पिटिशन में भी आता है और अपने बोर्ड में भी आता है, वो बहुत केयरफुली करेंगे। इवड़े एक एग्जांपल है देखो, इसके अंदर डीवाई अपॉन डी एक्स की पावर टू है प्लस टेन और डीवाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू जीरो है। अब सिर्फ एक बात देखनी है कि डिफरेंशियल कितनी बार हुआ है, डेरिवेटिव चेक करो, डीवाई अपॉन डी एक्स है, सिर्फ एक बार डिफरेंशियल है, डीवाई अपॉन डी एक्स को भी वन ऑर्डरिंग बोलते हैं, यानी कि इसका जो ऑर्डर है ना, ऑर्डर मतलब इसकी जो कोटी है वो कितनी है, वन, क्योंकि एक ही बार डिफरेंशियल हुआ है। अब थोड़ी एक समस्या है, डिवाइड अपॉन डी एक्स बिल्कुल फ्री होना चाहिए, इसके मल्टीप्लाई कुछ आ सकता है, लेकिन डिवाइड अपॉन डी एक्स किसी के एंगल की जगह नहीं बैठ सकता। टेन ऑफ डिवाइड अपॉन डी एक्स लिखा हुआ है, देखो आप टेन ऑफ डिवाइड अपॉन डी एक्स लिखा हुआ है, देखो ये नहीं होगा, यानी कि अगर यहां टेन नहीं होता, टेन एक्स हो सकता है आगे, टेन वाई हो सकता है, लेकिन डिवाइड अपॉन डी एक्स जो डेरिवेटिव है ना, वो टेन के अंदर नहीं आ सकता। अगर ऐसा होता है
उस केस में आपके डिग्री जो है ना, या डिग्री को क्या कहते हो आप, घात, ये नॉट डिफाइंड रहेगी, इस केस में परिभाषित नहीं है, इस केस में परिभाषित नहीं है, नॉट डिफाइंड रहेगी। क्यों रहेगी? क्यों? डिफरेंशियल ये जो डेरिवेटिव ना अलग से नहीं लिखा हुआ है, बिल्कुल सेपरेट होना चाहिए, यानी इसके मल्टीप्लाई 5, 7 कुछ भी हो सकता है, 10x हो सकता है, 10y हो सकता है, लेकिन tan ऑफ डिवाइड अपॉन dx नहीं हो सकता, या sin ऑफ डिवाइड अपॉन dx होता तो भी नॉट डिफाइंड रहती है। जैसे कि इस क्वेश्चन के अंदर में क्या है, दो बार डिफरेंशियल हुआ है ना, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया, टू ऑर्डर को इंडियन क्या कह रहे हो आप, 40। और इसकी बात करते हैं डिग्री की, यानी कि घात, इसके अंदर में क्या देखा आपने, e की पावर में डिवाइड अपॉन dx है, ये जो पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन जो है ना, ये सिर्फ डिवाइड अपॉन dx में नहीं है, इसलिए अपन इसको क्या कह सकते हैं कि डिग्री इसकी जो है नॉट डिफाइंड है। क्यों है कि नॉट डिफाइंड आपको समझो, क्योंकि जो डिवाइड अपॉन डेरिवेटिव है ना, डिवाइड अपॉन dx, ये e की पावर में, e की पावर में या साइन के एंगल के अंदर, इस तरह से नहीं होना चाहिए, ये अपना खुद का एक इंडिविजुअल वजूद होना चाहिए इस तरह, समझा, 5 डिवाइड डेज हो सकता है, साइन एक्स इंटू डिवाइड डेज हो सकता है, साइन वाई इंटू डिवाइड डेज हो सकता है, लेकिन ई टू दावर डिवाइड डेज नहीं हो सकता। इसी तरह से यहां पर देखो, टेन ऑफ डिवाइड डेज ये नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें जो एंगल है ना उसे जेकोन बैठा है डिवाइड डेज, इसमें यहां पर ई की पावर में डिवाइड डेज है, इसलिए हम इसको डिग्री को नॉट डिफाइन कह दिया, यानी अपरिभाषित, क्या कह सकते हैं, अपरिभाषित, यानी इस केस में परिभाषित डिग्री नहीं, लेकिन ऑर्डर जरूर होगा, इसमें ऑर्डर कितना, डिफेंस कितनी बार हुआ है, दो बार हुआ ना, इसलिए अपने इसको डी टू अपॉन डी एक्स की वजह से इसका ऑर्डर 2 हो जाएगा, बट एक डेरिवेटिव ई की पावर में बैठा है, इसलिए इसकी डिग्री को नॉट डिफाइन कहेंगे। आगे समझ में कोई प्रॉब्लम बेटा? बहुत ध्यान रखना, इस तरह के जो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होते हैं ना, वही एग्जाम में पूछते हैं, इसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी कर लो, और भी क्वेश्चन करते रहो, जिससे आपका नॉलेज और अपडेट होता रहे। ओके, एक चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने फ्रेंड्स में शेयर करेंगे। स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।